हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेडू, जो एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है चाइना की। तो उसके बारे में हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, हम आप लोग के लिए एक न्यू जो है आपको एमसीक्यू लेकर के, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एमसीक्यू है आपका, पाकिस्तान ज्वाइंड बेडू सैटेलाइट सिस्टम इन विच ईयर। ये पहली एक ऐसी कंट्री थी फॉरेन की जो सबसे पहले बैडू का जो है ना, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, सिस्टम को ज्वाइन किया। और शॉर्ट में इसे BDS सेटेलाइट सिस्टम बोलते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे है, आप लोग इसको पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसकी आंसर बताएंगे आपको वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बैडू है ये न्यूज़ में क्यों है। तो देखिए, अभी जो है आपको पता होगा कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी समय समय पे अपनी एक वाइट पेपर जो है ना वो रिलीज करती है अपने इंटरनेशनल ग्लोबल टारगेट को अचीव करने के लिए, किसी भी पार्टिकुलर बॉडीज़ या उसके सिस्टम्स, और आप बोल सकते हो चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, या आप बोल सकते हो यू नो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सिक्योरिटी पर्पज़ से हो, या ट्रेड से रिलेटेड हो। तो सारी कंट्रीज़ के जो यू नो गवर्नमेंट है वो अपनी वाइट पेपर रिलीज करती है कि उसे फ्यूचर में क्या क्या गोल्स को अचीव करना है। तो इसी संदर्भ में जो है ना, अब चाइना ने अपने बैडू को, जो उनकी BDS यू नो सेटेलाइट सिस्टम है, उसको एक न्यू इरा के सेटेलाइट सिस्टम बनाना चाहता है, उसको एक एक्सपेंडेशन करना चाहता है ताकि ग्लोबल रीच हो सके, ठीक है। और आपको पता है बैडू ये चाइना की होम ग्रोन यू नो सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जिस तरह से इंडिया की जो सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक है। तो हम जानेंगे आज कि इस पार्टिकुलर यू नो वीडियो में क्या, वाइट पेपर में क्या क्या बातें लिखी हुई है। तब तक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ प्लीज़, आप लोग व्यू तो हो जाता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक जो दी हुई है उसी से जुड़िए, क्योंकि बहुत सारे फर्जी ग्रुप भी आ जाते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, अब जानते हैं कि बैडू एक्चुअली है क्या। देखिए, ये एक चाइनीज़ सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो एक तरीके से, जो भी ऑटोनोमस जियो स्पेशियल पोजिशनिंग है ना, उसको एक तरीके से क्या करता है, आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करता है। साथ साथ जो भी मेंबर कंट्रीज हैं इससे, और स्पेशली चाइना की तो आप बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद की अपनी इनकी ये नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है। BDS इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और इसमें 30 सेटेलाइट की कंस्टिलेशन। देखिए, कंस्टिलेशन होता है कि जब कोई चीज़ ग्रुप में एक साथ स्पेस में होता है तो उसे हम कंस्टिलेशन बोलते हैं, जैसे स्टार की कंस्टिलेशन, और बहुत सारा कंस्टिलेशन एक साथ मिल जाता है तो वहाँ पे हम उसे गैलेक्सीज बोल देते हैं। जैसे अपना जो मिल्की वे गैलेक्सीज है, वहाँ पे बहुत सारे कंस्टिलेशन है, उस एक कंस्टिलेशन में आप लोगों ने नाम सुना होगा उर्सा मेजर्स, ये सब एक कंस्टिलेशन होता है, सप्तऋषि, ठीक है। तो BDS जो है इसमें 30 सेटेलाइट्स हैं, और वो ऑर्बिट में क्या करते हैं, आपको एक तरीके से घूम रहा है अपने ऑर्बिट में, ठीक है। और इसकी जो आउटरीच है वो इंटरनेशनल होने वाली है, क्योंकि 2018 में चाइना ने इस पार्टिकुलर जो निडेबल यू नो नंबर ऑफ सेटेलाइट थे इस BDS सिस्टम को चलाने के लिए ग्लोबल लेवल पे, वो आपको क्या हो गया था, तो कंप्लीट हो चुका था। तो चाइना अब डिस्कशन कर रहा है कि क्यों ना इतनी मेहनत कर लिए तो अब इसे जो है ना हम ग्लोबल रिच पे ले जाए, जिसमें स्पेसिफिकली जो उनके इंटरेस्टेड कंट्री है, उनके जो लाइक माइंडेड कंट्री है, जैसे साउथ एशियन रीजन के कंट्रीज, स्पेशली पाकिस्तान। आपको पता होगा कि जब से यू नो रसिया पे लग गया US, तब से रसिया एक तरह से कम्प्लीटली यू नो टिल्टेड हो गया है टुवर्ड्स द चाइना हर चीज़ों पे, ठीक है। और इवन इंडिया को भी कभी कभी वो इग्नोर कर देते हैं। आप देखते होंगे कि UN में जब भी चाइना के रिलेटेड कुछ वोटिंग होती है तो वहाँ पे रसिया एब्सटेन कर लेते हैं, वोटिंग ही नहीं करते। तो चाइना पे इतना ज़्यादा यू नो एक तरीके से डिपेंडेंट रसिया का हो गया, तो रसिया भी, रसिया का बैडू के साथ जो है एक स्ट्रेटेजिक यू नो आप बोल सकते हैं नेटवर्किंग एक एग्रीमेंट है। हालांकि रसिया के पास जो है खुद का अपना नेविगेशन ग्लोनास करके, आगे हम देखने वाले हैं, ग्लोनास करके उनका नेविगेशन सेटेलाइट है, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो इस पार्टिकुलर यू नो बेडू का जो एप्लीकेशन है चाइना, वो एक गाइडिंग ड्रोन से लेकर के ऑटोनोमस कार, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, साथ साथ सेटेलाइट पावर्ड मैसेजिंग फॉर स्मार्टफोन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बेडू दुनिया की पहली ऐसी यू नो सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो शॉर्ट यू नो मैसेजिंग सर्विस देगा अपने रीजनल पार्टनर्स को। अभी मैं आपको एक इसके लिए आर्टिकल में बताऊंगा नोट्स में, ठीक है। और मैं आपको शॉर्ट मैसेजिंग सेटेलाइट पे एक पार्टिकुलर सेपरेट वीडियो भी लेकर के आ जाऊंगा।
तो इससे जो है ना आप मैसेजिंग स्मार्टफोन के लिए साथ साथ कनेक्टिविटी जो होती है, आपको आप देखते होंगे कि आपको अभी दुनिया में कहीं भी जाना है तो आप जीपीएस की जो मैप होती है गूगल की, उसमें आप सर्च कीजिए, जो जीपीएस सिस्टम पे चलता है, और जीपीएस सिस्टम यूएसए की अपनी एक तरह से ग्लोबल सेटेलाइट सिस्टम है। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पे एप्लीकेशन होने वाला है, चाइना इसको यूज करेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मैंने नोट्स बनाया है, यहाँ देखिए कि चाइनाज बेडू नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम फर्स्ट टू प्रोवाइड एसएमएस सर्विस। ये वाइट पेपर, अभी जो ये वाइट पेपर रिलीज हुआ इसी में बताया गया है, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो सेटेलाइट सिस्टम है कैसे काम करता है, यहाँ पे देखिए देखिए सेटेलाइट सिस्टम ये पृथ्वी के ऊपर इसके चारों तरफ चक्कर काटता है, लेकिन हमें कैसे काम करना मिल रहा है, हम यहाँ पे कैसे उसको यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है आपको कि जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको तीन भाग में बांटा गया है। एक तो यहाँ देख रहे हैं आप स्पेस सेक्शन है, दूसरा ग्राउंड सेक्शन, और तीसरा यूजर सेक्शन है। स्पेस पे सैटेलाइट आप बोल सकते हैं कि हम उसको घुमाते रहते हैं, और वहाँ से जो है आप बेसिकली सिग्नल को भेजते हो डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड सेक्शंस पे, जहाँ पे आपके कंट्रोल स्टेशंस लगे हुए, मेन कंट्रोल स्टेशंस, ठीक है। और ऊपर से भेजने में इजी होता है क्योंकि कंप्लीटली हम अर्थ को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। और फिर ग्राउंड स्टेशन से हम टावर के थ्रू, आप देखते होंगे कि हमें मान लीजिए किसी एयरटेल या वोडाफोन का नेटवर्क यूज़ करना है, तो आप देखते होंगे घर पे छोटे छोटे टावर्स लगे होते हैं, तो वो टावर्स जो है ना ग्राउंड स्टेशन से कनेक्ट होता है, एक मेन सेंटर धरती पे होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा कि जैसे इसरो की जितनी भी सैटेलाइट है, इसरो का मेन सेंटर है बेंगलुरु में, लेकिन उसके छोटे छोटे जो है ना आपको रीजनल सेंटर है, जैसे कोलकाता में रीजनल सेंटर है, ठीक है, आपको हैदराबाद में रीजनल सेंटर मिलेगा। तो वो सब जो है ना इसरो की छोटी छोटी इकाई है। इसी तरीके से अगर आप कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में देखो तो नेटवर्क जो कंपनीज है टेलीकॉम्स, उसमें छोटी छोटी टावर्स लगी होती है, वो एक लोकल लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये सब एप्लीकेशन आपको बेडू, और अल्टीमेटली जो टारगेट होता है इसका, जैसे बेडू की टारगेट क्या है कि वो एक्सपैंड करना चाह रहा है एप्लीकेशंस को, ताकि चाइना की इकोनॉमिक और सोशल सेक्टर जो है ना फ्रूटफुल हो सके, सामाजिक काम हो सके। जैसे आप देखते होंगे कि बाढ़ आ गया, बाढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम आता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है कि सुनामी आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप देखते होंगे कि आपको कोई चीज़ें ऊपर से नहीं, मतलब हम डायरेक्ट फिजिकली नहीं देख पाते, तो आप ड्रोन्स को उड़ा करके आप ले सकते हैं, ठीक है। आपने एक तरह से जियो स्टेशनरी आप देखते होंगे, जियो टैगिंग होता है जानवर सबका कि कहाँ मूव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं इसकी एप्लीकेशन होती है, सोशल बेनिफिट से लेकर के इकोनॉमिक बेनिफिट तक, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो एक तरीके से आप इंडिपेंडेंस हो सकते हो और ख़ुद अपना इनिशिएटिव, क्योंकि आप याद करो जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने जीपीएस शेयर करने से मना कर दिया था, और आज हम लोग के पास अपना खुद का नाभिक है, तो नाभिक है तो आज हम लोग अमेरिका पर डिपेंड नहीं है, हम लोग खुद नाभिक को डेवलप कर रहे हैं, और जितनी भी सिक्योरिटी पर्पज़ से रीजन है तो वो हम लोग एक तरीके से अच्छे से यूज कर पाते खुद इंडिपेंडेंट रूप से। ग्लोबल सर्विस, जैसे आप बोल सकते हो कि ये एक स्टेबल और रिलायबल टेक्नोलॉजी होगा, लोग आप पे विश्वास करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं हाई सिक्योरिटी लेवल का होता है, तो चाइना की टेक्नोलॉजी को लोग एक तरीके से ग्लोबलिंग पहचान मिलेगी। और साथ साथ जो है ना इनका जो टारगेट है आपका यहाँ पे कि आपकी जो नेविगेशन सेटेलाइट इंडस्ट्री, देखिए चाइना दुनिया की सबसे बड़ी जो ट्रेड चेन है उस पर सप्लाई चेन में भागीदारी रखता है, और अगर भारी भागीदारी रखता है तो जब भी कार्गो की शिपमेंट होगी तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना उसकी ट्रैकिंग ज़रूरी है, ठीक है। हाल ही में आप देखते रहते हैं कि चाइना की एक वैंग यांग 6 करके एक जो आपका व्हीकल था, वो अभी इंडिया अग्नि 5 और मीडियम बैलिस्टिक रेंज का मिसाइल लॉन्च करने वाला, तो उसके लिए इंडियन ओशन में भेज दिया है। तो आपको जो है ना जब भी ग्राउंड पे किसी चीज़ को संपर्क साधना एक पार्टिकुलर जगह से, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सैटेलाइट का आप सिग्नल भेजिए, और फिर वहाँ से आप उसके साथ जो वहाँ भी एंटीना लगा दीजिए, और आप यहाँ से सिग्नल भेजिए तो सैटेलाइट में जाएगी, और सैटेलाइट वहाँ से फिर से एंटीना के थ्रू आपको यहाँ पे पहुँचा देंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नेविगेशन नेटवर्क्स हैं ग्लोब में चाइना के अलावा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यूएस की जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रसिया की ग्लोनास, और यूरोपियन यूनियन की गैलीलियो। इंडिया के पास खुद अपना नेविगेशनल सेटेलाइट सिस्टम होने वाला है, जिसको हम बोलेंगे इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम IRNSS, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो है ना एक तरीके से
आप बोल सकते हैं ऑपरेशनल नेम ऑफ इसका नाम क्या है, नाविक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो भी इसको हम नाविक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें जो है ना एक्सपेक्ट ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम लोग इसकी जो एक्यूरेसी 20 मीटर तक रखेंगे। मान लीजिए आप और एक इंसान और दूसरा 20 मीटर के सेपरेशन पे है, तो उस बीच में जो है ना आप दोनों को बता दिया जाएगा कि आप यहाँ हो और आप वहाँ हो, ठीक है। तो इसकी जो एक्यूरेसी है 20 मीटर से कम इसको लाया जा सकता है, ठीक है। और अभी तक जो है ना इसमें 7 एक्टिव सेटेलाइट हैं, और जो कहाँ पे आपको 36,000 किलोमीटर के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। देखिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक ऐसा ऑर्बिट है अर्थ का जहाँ से अर्थ का हर एक पॉइंट आपको कांस्टेंट दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक तरीके से जियो सिंक्रंस ऑर्बिट में हम जितने भी यू नो पोजिशनिंग सेटेलाइट डालते हैं, और इसमें 3 जो सेटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी रुके हुए स्थिति में है, और 4 सेटेलाइट आप तो बोल सकते हो इंक्लाइंड फॉर्म में जियो सिंक्रंस ऑर्बिट में है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए देखते रहिए प्रथम आयस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।